हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। देखिए, UPSSSC से वीडियो का एग्ज़ाम चल रहे हैं। और देखिए, कल 22 दिसंबर को जो सेकंड शिफ्ट में वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था, सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम लेकर आए हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं किस तरह के सवाल थे। फर्स्ट जो शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी कम अपलोड कर चुका हूँ। तो चलिए सेकेंड पेपर में देखते हैं, सेकेंड शिफ्ट में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन था, किस मुग़ल शासक ने लाल किले का निर्माण करवाया। और देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहाँ। फर्स्ट शिफ्ट में इसी संबंधित था कि जो दिल्ली में मयूर सिंहासन है वो किसने बनवाया था, दिल्ली के जो लाल किले में, तो वो शाहजहाँ ने बनवाया था। थोड़ा सा बदल के क्वेश्चन दिया, देखिए, किस मुग़ल शासक ने लाल किला बनवाया, तो शाहजहाँ ने बनवाया। हिंदी का एक क्वेश्चन था, जो दान देता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको दानी कहते हैं। किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो वहाँ एक ऑप्शन था जिसका आंसर ललितपुर होता। देखिए, आंसर जो वहाँ क्या ऑप्शन थे चार में से, उनका वो पूरी तरह से नहीं बता सकते, लेकिन जितने भी क्वेश्चन का पता चला, देखिए क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन पेपर है वो वहाँ ही जमा हो गया है, वो किसी भी विद्यार्थी को घर के लिए क्वेश्चन पेपर नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया, उसका कारण यह है क्योंकि देखिए, कल एक 10 बजे से एग्ज़ाम था, 10 से 12, फिर 3 से 5 था, ताकि क्वेश्चन पेपर की वजह से जो दूसरा जो छात्र पहले एग्ज़ाम दे रहा है वो दूसरे शिफ्ट में होने वाले छात्र की सहायता नहीं करे, उसकी मदद नहीं करे कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आए थे। अब ऐसे याद रखने में 150 क्वेश्चन सारे तो याद नहीं रख सकता, कोई आदमी 20-22 बता देगा कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन आए थे। तो इसी वजह से, मतलब थोड़ी सिक्योरिटी के लिए, उन्होंने जो क्वेश्चन पेपर वहाँ जमा कर लिया है, क्योंकि 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम होना और 2 दिन में होना। तो चलिए, अगला क्वेश्चन एक था, उत्तर प्रदेश के कितने क्षेत्र पर वन क्षेत्र है। तो देखिए, आंसर होता है उसका 17.4 क्षेत्र पर वन क्षेत्र। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन था। देखिए, क्योंकि लड़की के रचयिता कौन है, तो महाश्वेता देवी हैं, इस तरह का एक क्वेश्चन था। दखल देना किस मुहावरे का अर्थ है, तो नाक अड़ाना होता है। लड़का शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। आगे क्या था, देखिए क्वेश्चन, आँखों से दूर करना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो अपने से दूर भेजना, इसका आंसर हो जाता। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किस में स्वर संधि है, तो देखिए अध्यापक में स्वर संधि होती। गगन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है, कोई भी हो सकता है। देखिए, गगन का, नव, अंबर, व्योम, ये सब होता है। अब वहाँ क्या ऑप्शन रहा होगा, लेकिन इस तरह का प्रश्न आया था, गगन का पर्यायवाची नहीं है। अगला एक प्रश्न था, वह धीरे धीरे चल रहा है, इसमें धीरे धीरे क्या है, तो धीरे धीरे, देखिए थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गई है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है। वह धीरे धीरे चल रहा है, इसमें विशेषण क्या होगा, हाँ धीरे धीरे होगा, हाँ सही है सही है, कोई मिस्टेक नहीं हुई है, तो इसका आंसर हो जाता है धीरे धीरे। चलिए आगे देखते हैं, रात्रि का तद्भव शब्द क्या है, तो देखिए रात्रि एक तत्सम शब्द है, इसका रात हो जाता तद्भव। अगला देखिए, किस तरह के प्रश्न आए थे, देखिए गगन चुम्बी में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। आग जलने पर कुआं खोदना का क्या अर्थ है, एक मुहावरा आया था, उचित समय पर कार्य ना करना। चलिए आगे देखते हैं, अगला है, आधे अधूरे रचना की विधा क्या है, तो ये नाटक है आधे अधूरे, किन्होंने लिखा है, मोहन राकेश ने लिखा है। अगला एक क्वेश्चन था, जयद्रथ वध किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला एक प्रश्न था, नीति आयोग ने आकांक्षी योजना के लिए उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को चुना है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाता है 12 जिलों को चुना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए जनरल साइंस से क्वेश्चन था, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का कितना गुना है, तो इस तरह के प्रश्न भी आए थे। अगला एक प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, तो देखिए जो कौन सी अनुसूची होगी, तो देखिए चौथी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, और देखिए छठी अनुसूची में जो है उसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित प्रावधान है, तो इसका आंसर हो जाता है छठी अनुसूची। आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न था, देखिए उपराष्ट्रपति का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से है, तो उपराष्ट्रपति का संबंध है अनुच्छेद 63 में, और राष्ट्रपति का किस में, 52 में। अगला एक क्वेश्चन था, देखिए केंद्र सरकार की कौन सी योजना घर घर LED बल्ब प्रदान करती है, तो कौन सी है, उजाला योजना। अगला एक प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थाई मेमोरी का उदाहरण है, तो देखिए उसका करेक्ट आंसर हो जाता रैम। रैम जो होती है वो अस्थाई मेमोरी होती है, या रैम को ही प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में भी इसी तरह का एक क्वेश्चन था प्राइमरी मेमोरी से रिलेटेड। चलिए आगे क्वेश्चन था, कौन सा था, देखिए एक प्रश्न था, नीलम संजीव रेड्डी जो हैं वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, उसका आंसर हो जाता 6 नंबर के राष्ट्रपति हैं।
और भारतीय संविधान का जो भाग दो है, जो पार्ट टू है, वो किससे संबंधित है? तो वो नागरिकता से संबंधित है। अगला एक प्रश्न था हिस्ट्री से, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क का राज वैध था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चरक था। और देखिए इस तरह के क्वेश्चन आए थे, एक और देख लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2018 किसने जीता? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो फ्रांस ने जीता क्रोएशिया को हरा कर। तो देखिए पेपर जो जो हिंदी का जो पोर्शन था 50 क्वेश्चन का, वो ठीक ठाक था। मतलब 42 से 43 विद्यार्थियों ने इसमें सही किए हैं दोनों शिफ्ट में। जीएस भी ठीक ठाक थी, थोड़ा करंट अफेयर्स था, 7-8 क्वेश्चन। और बाकी देखिए रीजनिंग थोड़ी टफ थी, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे बड़े बड़े, पूरा एक पेज का स्टेटमेंट था, इसमें से एक केवल उसका क्वेश्चन पूछ रहे थे वो, थोड़ा डिसीजन मेकिंग थोड़ा। लेकिन पेपर उसी हिसाब से बनाया था, देखिए इसके बाद कोई ना तो साइकिल चलानी है लास्ट ईयर की तरह, ना फिर कोई इसमें इंटरव्यू है, और ना ही कोई दौड़ होगी। तो इस उसी हिसाब से इन्होंने पेपर बनाया है 50% की माइनस मार्किंग पर। तो इसलिए थोड़ा इसी का जो रीजनिंग इसलिए टफ आई है। चलिए देखते हैं, अब देखिए 23 तारीख के जो आज की शिफ्ट थी उस पर बात करेंगे। तो जैसे ही क्वेश्चन का पता चलता है मैं आपको अपलोड कर दूंगा। तो उसके लिए क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो 23 सितंबर का, मतलब आज का जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का, शाम तक देखता हूँ मैं, उसका क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो जाए तो प्रोवाइड करा दूंगा आंसर के साथ। और बाकी देखिए आयोग ने बोला 48 से 72 घंटों के अंदर वो सारे के सारे 4 सेटों का जो वहाँ अपलोड कर दिया जाएगा, उसी हिसाब से फिर उसका आंसर हम निकालेंगे और अपलोड करेंगे। आप लोग अपना आंसर वहाँ से मिला लेना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।